अरे राम राम पूजा बिटिया, राम राम काका, जीती रहो बिटिया जीती रहो। मैं पूछती हूँ, क्या तुमने सारी बस्ती का ठेका लेके रखा है? नहीं तो फिर तुमने आशा की दुकान का किराया क्यों दिया? वो कमीना मौसी को परेशान कर रहा था माँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ सके। खुशी तो होती है पर डर लगता है जब तुम विराज जैसे शैतान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने लगती हो। ओफो माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बना देती हो। लाओ मुझे किताबें दो, मैं रख देती हूँ। ले लाओ जल्दी दो। ये ले। मैडम आपके पास लेटेस्ट न्यूज वीक होगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए प्लीज। माँ किताबें दो, लाओ ना। और थोड़ी जगह है माँ। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर पाया। कुछ कहा आपने? जी जी नहीं, बस यही कुछ। दरअसल मुझे चंद शायरों के एडिशन चाहिए, गालिब, दाग, मोमिन, फिराक। अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, वैसे तो हर आदमी की अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी चाहत होती है, पर आपने कभी सागर साहब का कलम पढ़ा है? सागर? ये किस सीडी मार का नाम है? आप सागर को नहीं जानते? वो आज के दौर के बहुत बड़े शायर हैं। मेरा दावा है कि आपको उनका कलाम बहुत पसंद आएगा। ये आजकल के शायर क्या खाक लिखेंगे? नामी गरामी शायरों के कलामों से बूंदे चुरा चुरा कर बन गए हैं सागर। पायल की सुरों का इल्म नहीं और झनकार की बातें करते हैं। सुनिए मिस्टर अमन वर्मा। अमन वर्मा जी, अगर आपने सागर के खिलाफ एक शब्द भी निकाला तो अच्छा नहीं होगा। क्यों, क्या कर लेंगे आप? मैं ये किताबें नहीं दूंगी। लगता है आप उस शायर से, क्या नाम बताया आपने? सागर। हाँ सागर, लगता है आप उससे जरूरत से ज्यादा चाहती हैं। जी हाँ मैं चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ आपसे। मतलब? मतलब ये कि आप बेमतलब नाराज हो रही हैं। चलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अब तो किताबें दे दीजिए। अब अगर सागर साहब का नया एडिशन इसमें शामिल हो जाए तो तब तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट निकाल के बिल कितना हुआ? इन किताबों के 40 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट के 30 रुपए हुए। शायद इस शहर में नया नया आया है, अजनबी सा लगता है। मगर दिलचस्प अजनबी था। लो बिटिया मिठाई खाओ। मिठाई? ये किस खुशी में मिल रही है? क्योंकि आजकल मेरी दुकान चकाचक चल रही है। चकाचक? वो कैसे? तुम्हारी दुआ से। मेरी दुआ से? हाँ, आजकल एक परदेशी बाबू रोज दुकान पर आते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 30-40 कप चाय पी जाते हैं। इसमें मेरी दुआ कहाँ से आई? दरअसल बेटिया उनकी नजरें तुम्हारी दुकान पर टिकी रहती है। नजर इधर चाय उधर, नजर इधर चाय उधर, बिल 30 रुपया 4 आने। अच्छा तो ये बात है, आने दो 30 रुपए 4 आने वाले को। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि चाय पीना भूल जाएगा। चाय पीना भूल जाएगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए काका, बस वो आएगा तो मुझे इशारा कर देना। बिटिया वो तो सब ठीक है, लेकिन इन पेड़ों की लाज रख लेना। हे बजरंग बली, किस डिफिकल्टी में फंसा दिया बाबूलाल को। अरे बाबूलाल ये क्या कर लिया तुमने, अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। ए बजरंग बली जी महाराज, इस बाबूलाल मूर्ख की रक्षा करना। अरे बाबूलाल जी किस डिफिकल्टी में फंसा लिया अपने आपको। राम राम बाबूजी। राम राम बाबूलाल। कैसे हो? बस राम जी की कृपा है, बैठिए बैठिए। अरे ओ कलुआ, परदेशी बाबू आया परदेशी बाबू। और सुनाओ बाबूलाल, आज की ताजा खबर क्या है? सुनने में आया है कि बाहर का मौसम बड़ा खराब है, घनघोर घटाएं घिरती चली आ रही हैं
आसमान पर बादल गरजने वाले हैं, बिजली चमकने वाली है, भयंकर बरसात होने की संभावना है बाबूजी, भयंकर बरसात। भाई वाह, मान गए, सुभान अल्लाह। बाबूलाल क्या अर्ज किया है सागर साहब ने कि बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। ठीक ही कहा था उस बुक स्टॉल वाली ने, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, बड़ी मुद्दत से मेरे दिल में एक तस्वीर बैठी है, तेरी जुल्फों की छांव में मेरी तकदीर बैठी है। अरे बाबूलाल और क्या लिखा है जरा ये तो सुनो, कि दूर तक जहां भी ये नजर चली जाए, मुझे तू ही तू, बस तू ही तू हर पल नजर आए। बाबूलाल, हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी जानता है। अरे बाबूलाल, मैं तुम्हें सागर साहब की शायरी सुना रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मेरे कहने का मतलब यह है बाबूजी, ये कौन से दौर के शायर हैं और कहां रहते हैं? अरे मेरे ही शहर में रहते हैं और मेरे ही शहर में रहने के नाते मुलाकात तो होती ही है। अच्छा अच्छा। अरे मुझे तो यहाँ आकर मालूम पड़ा कि वो अच्छा लिखते भी हैं। अच्छा, इससे पहले आपको मालूम नहीं था? अरे यही तो बात होती है बड़े लोगों की, वो जो होते हैं बोलते नहीं। वाह सागर, तुम तो सागर से भी गहरे निकले। अब जब मिलूंगा तो सीधा तुम्हारा हाथ पकड़कर चूमूंगा और चूम के कहूंगा कि। उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप? आप लाजवाब है काका, एक बढ़िया सी राम प्यारी इनके लिए मेरी तरफ से। अरे ये तकल्लुफ क्यों? क्योंकि आप सागर साहब को जानते हैं, आप उनके पड़ोसी हैं, उनके मिलने वालों में से हैं और मैं उनकी मुरीद, मेरा मतलब फैन हूँ। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, अगर आप सागर साहब को जानते हैं तो उस दिन मेरी दुकान में उनको इतना भला बुरा क्यों कह दिया? दरअसल मैं आपकी चाहत की हद को देखना चाहता था। वैसे आप सागर साहब को कैसे जानती हैं? बस खतों और कलामों के जरिए। कुछ और बताइए ना उनके बारे में। कुछ और पूछिए ना उनके बारे में। वो दिखते कैसे हैं? हसीन हैं, नौजवान हैं। सच? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरी उनसे मुलाकात करवा दें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या आप मुझे इस खूबसूरत इलाके की सैर कराएंगी? क्योंकि मैं इस इलाके में बिल्कुल अजनबी हूँ। बस इतनी सी बात? तो फिर वादा रहा। वादा। माँ, माँ, ये अमन है, ये बंबई में रहते हैं। नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, बंबई से यहाँ घूमने आए हो? नहीं माँ जी, दरअसल बाबा यहाँ एक होटल बना रहे हैं, उसी सिलसिले में आया हूँ। अरे मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई माँ, ये सागर को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब तो बुरे फंस गए बेटा। मैं समझा नहीं माँ जी। समझती तो मैं भी नहीं बेटा कि ये सागर के नाम की माला क्यों जपती रहती है। अब तो तुमसे सागर के बारे में बातें करके अच्छा खासा पागल कर देगी। माँ तुम भी कैसी उलटपटांग बातें करने लगी। चलो अमन, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। चलो। ये कमरा बिल्लू का है, वो मेरी माँ का कमरा है, यहाँ हमारा पूजा घर है और उधर मेहमानों का कमरा है। आ, आ। और ये मेरा कमरा है। एक मिनट जरा यहां से नजारा देखो, हर चीज कितनी खूबसूरत दिखाई देती है। वाकई बहुत ही खूबसूरत नजारा है। अमन, अगर कश्मीर धरती का स्वर्ग है तो ये जगह यहाँ का स्वर्ग है। मैं तो इस स्वर्ग को देखकर धरती के स्वर्ग को भी भूल गया हूँ। तुम सोच रहे हो ये फ्रेम खाली क्यों है? दरअसल इस फ्रेम को सागर की तस्वीर का इंतजार है। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, सागर खुद आ गया। सागर
एक्सक्यूज मी, उठने की तकलीफ करेंगे आप? जाते कहीं से अंधे। सर जी टायर से रेडी। सर जी अयो रामा ये तो फ्लैश फॉरवर्ड में चले गए। सर जी सर जी सर जी हाँ, वही अंधा। आपने उसी वक्त क्यों नहीं बताया कि आप सागर हैं? अगर आपको गिरने से फुर्सत मिलती तो बताता ना। पूजा घर चले। रेनू इनसे मिलो, ये सागर साहब हैं। ये मेरी सहेली रेनू है। हेलो। सागर तो मेरा तकल्लुस है, वैसे लोग मुझे आकाश वर्मा कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर थोड़ी सी। क्यों? इसलिए कि सारी खुशी तो इसे ही हुई है। रात और दिन आपके नाम की माला जपती रहती थी, तू अपनी शरारत से बाज नहीं आएगी। चल घर चल। पूजा कल शाम को तुम्हारे गार्डन कोर्ट में इंतजार करूंगा। ठीक है बजे आना। ओके। आएगी फिर आएगी, जरूर आएगी, बगैर आए कहीं नहीं जाएगी, जरूर आएगी। भाई साहब इन भाई साहब की क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं साहब, दरअसल बात यह है कि आज से ठीक 4 साल पहले इनकी महबूबा ने इनसे यहीं मिलने का वादा किया था और आज तक नहीं आई। पहले ये भी आप ही की तरह पानी पीते थे। अब शराब पीने लगे हैं। कहीं मेरी भी हालत इनकी तरह नहीं हो जाए। तो हालत खराब है। समझी समझी तुम्हारी मंजिल आ गई, अब मैं तो चली। तू भी चलना। क्यों? मुझे डर लग रहा है, देखो ना मेरा दिल धक-धक कर रहा है। सच? ये तो राजधानी से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। मैं जाती हूँ। सुनो कहाँ चली? तू बड़ी संगदिल है, यहाँ मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है। जाने मन मोहब्बत के मैदान में हुस्न और इश्क दोनों को अकेले ही एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। जाओ जाके कूद जाओ। नहीं जाओ जाओ ना। अमन। ए अमन। अमन हाय। अमन हाय। पूजा व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। अरे लक्ष्मी आजा। जी सर जी। तीन कॉफी लाना जल्दी। अभी लाया सर जी। अमन क्या आजकल तुम इतने बिजी हो गए कि दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं मिलता? ऐसी बात नहीं है पूजा। मुकद्दर। अरे हाँ मुकद्दर से याद आया। क्या याद आया? दीवाने सागर में पेज नंबर 26 पर तुमने बहुत खूबसूरत शेर लिखा है, जरा सुनाओ ना। मुकद्दर पे? हाँ दीवाने सागर में। हाँ पेज नंबर 26। हाँ It is impossible. ये हो ही नहीं सकता। है, पेज नंबर 26 पर है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। It is नामुमकिन। It is नामुमकिन, no? गलतफहमी। और मुझे तुम्हारे कलम से लिखा हर शेर मुझे ज़बानी याद है। अच्छा छोड़ो ये पेज पर क्या बहस करना, तुम शेर तो सुनाओ। याद आया? आया। मुकद्दर मैडम गरम गरम काफी। सर जी काफी लाए जी। सर जी काफी। सर जी काफी लाए जी काफी। मुकद्दर मुकद्दर हाँ अमिताभ का मुकद्दर का सिकंदर है। शराब हम जाता अंदर है काफी। गिनो 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 मुकद्दर मु क्या कहा?
शेर के रिकॉर्ड पर आवाज की सुई क्यों अटक गई? सुई? नो, दरअसल बात ये कि मेरी आवाज। अबे अबे सुबह तो तूने मुझे वो शेर सुनाया था, भूल गया क्या? तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, तकदीर बनाने वाले तूने कमी न की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। यही तो ताज्जुब है, शेर तुमने लिखा और याद इनको है। क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है शेर अपशारी तो क्या, मैं तो अपने आप को भूल गया हूं। बहुत देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। ओके, मैंने छोड़ गया था। अमन, वक्त मिलते ही घर जरूर आना। बाय। ओके, बाय। आकाश, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे टेलीफोन पर नहीं बता सके और मुझे आप फौरन बुला लिया? पूजा, वो एक पहेली है जिसे सुलझाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि हाँ, एक कॉफी और तुम क्या लोगी? कोल्ड स्पॉट। कोल्ड स्पॉट। पूजा, जैसे कि आकाश। हाय। हाँ। What a pleasant surprise। तुम यहाँ कैसे? घूमने आई हूँ, स्काईवे में ठहरी हूँ। लेकिन तुम मुझे बताए बिना बॉम्बे से गायब हो गए? अब मेरे इतने सारे फैन हैं, अब मैं हर किसी को थोड़ी बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाय द वे, ये पूजा, पूजा दिस इज मेनका, मेनका मेनका दिस इज पूजा। दिल बहलाने के लिए ये खिलौना बहुत अच्छा है। एनीवे, कम एंड मीट माय फ्रेंड्स। आप चलिए, मैं हाँ ना। ये आती है मीना और शान। नमस्ते। हेलो। नमस्ते आकाश। पूजा, तुम? आज कुदरत ने भी तुम्हारा खूब साथ दिया। अंधेरे में शर्म से तुम अपना मुंह तो छुपा सकते हो, रोशनी में शायद तुम मुझसे आंखें नहीं मिला पाते। लेकिन पूजा, मैं तुमसे अपने दिल का सारा हाल बयां करती रही, तुम्हें अपना हमदर्द, अपना हमराज, एक अच्छा दोस्त समझकर। कितना नाज था मुझे तुम पर और तुम्हारी दोस्ती पर। तोड़ दिया तुमने मेरे विश्वास को, क्या खूब सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती का। मैं लुटती रही और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। सिर्फ तमाशा ही नहीं, तुमने मेरे प्यार को सरे बाजार नीलाम कर दिया है। किस हक के बिना पर तुमने अपने आवारा दोस्त को मेरी जिंदगी में सागर बनाकर भेजा और मुझे एक दिल बहलाने का खिलौना, जब जी चाह खेला और दिल भर गया तो तोड़कर फेंक दिया। क्यों किया ये सब कुछ तुमने? क्या मिला तुम्हें झूठ बोलकर? अपने अमीर दोस्त की शाबाशी जिसके एहसानों तले तुम्हारी जिंदगी दबी हुई है, या अपनी सुनी जिंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए एक रोमांचक कहानी? बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया?